नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट एंड प्रोडक्टिविटी कोच। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका 7 स्टेप में इन्वेंटरी को कैसे कम किया जा सकता है। अगर आप नए यूजर हैं और आपने हमारा वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले पहुंच जाए। आपके दोस्तों के साथ हमारे वीडियो चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई सीखने का मौका मिले। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस इन्वेंट्री इन 7 स्टेप्स। दोस्तों आज अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री की वजह से इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। काफी टाइम ये होता है कि उनका प्रॉफिट कहाँ है वो पता नहीं चलता और इन्वेंट्री उनके पास बहुत ज्यादा है। काफी टाइम ये होता है कि इन्वेंट्री उनको ज्यादा रखनी पड़ती है, अगर वो ज्यादा नहीं रखेंगे तो उनकी प्रोडक्शन टाइम उतना इफेक्टिवली वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पाती है और इसकी वजह से इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा पैसा लग जाता है। अगर प्रॉफिट कहाँ पे है ऐसा अगर पूछा जाता है तो प्रॉफिट है इन्वेंट्री में। काफी टाइम वो इन्वेंट्री के प्रॉफिट की वजह से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, इन्वेंट्री में जितने पैसे लगे हुए हैं उनकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम होता जाता है। जीएसटी के आने के बाद इंडस्ट्रीज थोड़ी ज्यादा सिंसियर हुई है इन्वेंट्री को रखने के लिए, क्योंकि पेमेंट टैक्सेशन बहुत सारी जगह पे उनको इश्यूज आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेंट्री रिड्यूस करने का आज का जो हमारा टॉपिक है वो शायद आपको सबसे ज्यादा अहमियत देगा और आप वहां पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। दोस्तों एवरेज इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो उनका एक इंजीनियरिंग यूनिट ले लेंगे तो वहां पे इन्वेंट्री का रेशियो थंब रूल के हिसाब से 10 से 12 होना चाहिए, जबकि वॉलमार्ट जैसी कंपनी है जिसका रिटेल इंडस्ट्रीज के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात है और उन्होंने बहुत बढ़िया से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज किया है, वहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोस देखेंगे वॉलमार्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का तो वेरी होता है 30 से 36 से लेके 42 तक। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसको कहते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर लूं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में 1 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है और उससे आप अगर 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हुआ 10। यानी जब मैं कहता हूं कि वॉलमार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 40 है, यानी अगर उनके पास 1 करोड़ की इन्वेंट्री है तो वो 40 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकता है। आप पहली चीज तो है कि आपकी इन्वेंट्री और आपका टर्नओवर रेशियो को देखिए कि आप हर महीने में कितना टर्नओवर करते हैं और आपका हर महीने का इन्वेंट्री का एवरेज लेवल कितना रहता है। बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिट का इन्वेंट्री लेवल 0.5, 1 या 2 इतना ही रहता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाते हैं। पहले यहाँ पे इंडस्ट्रीज को माइंडसेट में चेंज लाने की बहुत जरूरत है कि इन्वेंट्री को कम किया जा सकता है और फिर भी आपकी प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर हो जाएगी। अगर ये माइंडसेट्स हैं तो आप आने वाले 7 स्टेप को जरूर देखें, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि इंडस्ट्रीज में इन्वेंट्री कम भी हो सकती है, उससे आपका लिक्विड कैश भी बढ़ेगा, आपका जो क्रंच है वो भी निकल जाएगा और उसकी वजह से आपके प्रॉफिटेबिलिटी में भी फर्क पड़ेगा और आप जो मेथड से काम कर रहे हो वो मेथड में काफी सारी जगह पे इंप्रूवमेंट आ सकता है। पूरी चीज को, पूरे वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि इन्वेंटरी को कैसे कम किया जा सकता है और इसके बहुत साइंटिफिक टूल हम आज डिस्कस करेंगे। पहली जो चीज है रिड्यूस इन्वेंटरी के लिए वो पैरेटो कर लीजिए। आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स है, आपके पास जितनी भी आइटम है, उसको आप पहले एक एक्सेल शीट्स बना लीजिए। एक्सेल शीट्स के हिसाब से आप उसको पैरेटो कर लीजिए। पैरेटो अगर आपको पता नहीं कि किस तरह से बनाना है तो हमने एक और वीडियो का चैनल मैंने लिंक में दे रखा है, उसको आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि पैरेटो किस तरह से यूज किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट्स भी लिंक दे रखी है तो आप वहां पे सिर्फ अपना फिगर्स डालेंगे तो पैरेटो ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे ही आप पैरेटो कर सकते हैं तो अगर आपके पास बहुत सारी आइटम है, जैसे काफी सारी इंडस्ट्रीज या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है तो उनके पास 3, 4, 5, 10,000, 20,000 आइटम है तो उनको आप ग्रुप में क्लब कर लीजिए। जैसे आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, वर्क इन प्रोसेस कितना है, एक ग्रुपिंग ऐसा हो सकता है, या कैटेगरी वाइज ग्रुप कर सकते हैं। जैसे आपके पास बॉट आउट कंपोनेंट कितने हैं, एक्स टाइप के कंपोनेंट कितने हैं, वाइट टाइप के कंपोनेंट कितने हैं, मेटल के कितने हैं, प्लास्टिक के कितने हैं, या फिर आप उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपके पास बेरिंग कितनी है, आपके पास बार्स या रॉड्स कितने हैं, आपके पास गियर्स एंड पुलीज कितनी है, आपके पास वी बेल्ट कितने हैं, उस तरह से आप उसको मैक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाना है, आप यहाँ पे मैक्रो पे पहले बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में कितनी तरह के पार्ट्स हैं, उनको ग्रुप कर लीजिए और ग्रुप का पैरेटो करिए तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि आपके पास सबसे ज्यादा कौन से ग्रुप का इन्वेंटरी पड़ा हुआ है। जैसे कोई इंडस्ट्रीज है वहां पे कास्टिंग भी हो रहा है, वहां पे बॉट आउट कंपोनेंट भी आ रहे हैं,
वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी आ रहे हैं, वहां पे वायर और कंज्यूमेबल भी आ रहे हैं, तो आप इनको सिर्फ तीन चार पांच कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, उसकी क्या वैल्यूएशन है वो भी देखिए, और क्या नंबर ऑफ पीसीज में वहां पे क्वांटिटी है वो उसको भी देखिए। तो आप दो पैरेटो कर सकते हैं, एक तो वैल्यू वाइज पैरेटो कीजिए, दूसरी जो है वो क्वांटिटी वाइज पैरेटो कीजिए। इससे आपको दो सर्टिफिकेशंस मिलेंगे कि कहां पे वैल्यू वाइज पैरेटो में कौन सी चीज बहुत अहमियत रखती है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। काफी टाइम ऐसा होता है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी पूरी इन्वेंट्री में वैल्यू कुछ नहीं होती है। काफी टाइम ऐसा होता है कि क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो दोनों ग्राफ को साथ में रखेंगे, दोनों पैरेटो को साथ में रखेंगे तो आप इसका अच्छे से कंक्लूजन कर पाएंगे। तो पहली चीज है, पहला स्टेप है, आपके डेटा निकालिए, आप स्टॉक ले लीजिए, स्टॉक लेके उसको कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, और कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद उसको वैल्यू और क्वांटिटी के हिसाब से दो अलग अलग पैरेटो कर लीजिए। दो अलग अलग पैरेटो करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका सबसे ज्यादा इन्वेंट्री कहां पे है। दूसरी जो चीज है, दूसरा जो स्टेप है, रिड्यूस द रिप्लेनिशमेंट टाइम। हम ये रिप्लेनिशमेंट टाइम के ऊपर डिस्कशंस करें उससे पहले आप ये समझिए कि रिप्लेनिशमेंट टाइम होता क्या है। रिप्लेनिशमेंट टाइम ये तीन चीजों में डिवाइड किया जाता है, पहला है रिव्यू पीरियड, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग टाइम, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन टाइम। यानी आप एक इंडस्ट्रीज में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास तीन तरह की रिप्लेनिशमेंट टाइम आएगा। जब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है आप उसको रिव्यू करते हैं और आप अपने सप्लायर को बताते हैं कि हमें ये चीजों की जरूरत है, ये जो टाइम है ये एक है रिव्यू पीरियड का टाइम। दूसरा जो टाइम है मैन्युफैक्चरर, आपका सप्लायर जो है उसको बनाने के लिए कितना टाइम लेता है वो है उसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम। तीसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन टाइम, यानी मैन्युफैक्चर अपने यहां से आपकी इंडस्ट्रीज तक पहुंचाता है तब तक जो टाइम लेता है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम। यहां पे गौर फरमाइए क्या कि अगर आपका रिप्लेनिशमेंट टाइम बहुत ज्यादा है तो ये तीन चीजों में आप उसको रिड्यूस कीजिए। मेजोरिटी जगह पे ये पता चला है कि ऑर्डर टाइम पे जाता ही नहीं, यानी रिव्यू टाइम जो है आपका, रिव्यू पीरियड जो है रिप्लेनिशमेंट टाइम में वो बहुत ज्यादा है। जैसे ही आपको पता चली कि ये मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है, नया सेल्स ऑर्डर आया तो आपको पता चलेगा कि आपको नई चीज कौन सी बनानी है, कौन सा आइटम नहीं है। तो लीड टाइम्स इसका सबसे ज्यादा है, यानी प्रोक्योरमेंट टाइम्स जिसका, जो प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा है उसका परचेज ऑर्डर सबसे पहले निकल जाना चाहिए, लेकिन किसी भी वजह से वो नहीं जाता है और उसकी वजह से आपका रिव्यू टाइम बढ़ जाता है। दूसरी चीज ऐसी है कि आप सप्लायर के साथ डिस्कशन कीजिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम कितना है, आप कितने दिन में बना सकते हैं और उसको वो कैसे स्पीड में ला सकते हैं। अगर आप वेंडर की ऑडिट करेंगे, वेंडर के यहाँ पे जाके थोड़ा सा मुआयना करेंगे तो आप उनको भी बहुत सारी जगह पे इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा जो टाइम है वो है ट्रांसपोर्टेशन टाइम। ट्रांसपोर्टेशन टाइम में आपको कितना टाइम लग रहा है और वो उसको कैसे बेहतरीन या फास्ट कर सकते हैं, ये तीसरी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर ये तीनों टाइम का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका होगा रिप्लेनिशमेंट टाइम। जैसे मैंने बताया तीनों टाइम को थोड़ा सा कम करेंगे तो इससे आपकी इन्वेंट्री कम हो सकती है। चौथा है स्मॉलर एंड फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स। आपको कभी भी देना है तो आपको स्मॉल ऑर्डर्स देने हैं और फ्रीक्वेंटली ऑर्डर देने हैं। आप अगर एक साथ ऑर्डर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको शेड्यूल डिलीवरी में ट्रांसफर कर लीजिए जिससे आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे भी बचेंगे। यानी आपके पास दो तरीके हैं, एक अगर आपका फोरकास्टिंग आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी इंडस्ट्रीज में कितनी चीज लगेगी तो आप पूरे साल का फोरकास्ट कीजिए, थोड़ा सा बफर टाइम रख के जितना फोरकास्टेड है उससे थोड़ी सी कम चीजों के ऊपर निगोशिएट कीजिए सप्लायर के साथ निगोशिएट करके उनको एक क्वांटिटी फिक्स दे दीजिए। मान लीजिए आपको हर साल 10,000 बेरिंग चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप की, अगर आपको 10,000 बेरिंग चाहिए तो आप उनको 7,000 बेरिंग का ऑर्डर एक साथ दे दीजिए। ये ऑर्डर एक ही दिया हुआ है लेकिन 7,000 पीस आप साथ में नहीं लेंगे, उनको आप बताएंगे कि ये ऑर्डर मुझे फ्रीक्वेंटली चाहिए होगा, हर महीने मुझे 500 पीस आपको भेजना है, हर महीने मुझे 1,000 पीस भेजना है, ऐसा डिलीवरी शेड्यूल भेज दीजिए, जिसकी वजह से स्मॉलर उनके पास ऑर्डर जाएंगे, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी पाएगी और आपके पास इन्वेंट्री कभी भी बढ़ेगी नहीं। और उसके साथ साथ आप जो निगोशिएशंस में आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो आपको बेस्ट वहां पे मिलता जाएगा। तीसरी चीज जो आपका चौथा चीज है, इलिमिनेट द ऑब्सोल्यूट आइटम्स। इन्वेंट्री का मुआयना कीजिए, जैसे हमने स्टेप वन में देखा कितनी इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है और इसमें से कितनी इन्वेंट्री आपको कभी भी काम में आने वाली नहीं है। जो चीज काम में आने वाली नहीं है वो चीजों को आप ऑब्सोल्यूट कर दीजिए,
दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पे है कि आपकी डिजाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ बात कीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है जो बरसों से हमारे पास पड़ी हुई है, क्या हम उसको डिजाइन इंजीनियरिंग में कोई चेंज करके कहीं पे कोई अल्टरनेट करके कोई कस्टमर्स की डिमांड क्रिएट करके उसको बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। अगर है तो थोड़ा सा सेल्स पे फोकस कीजिए और ये आइटम को आप इम्प्रूव कर। दोस्तों जो पांचवा स्टेप है ये है सेंट्रलाइज योर इन्वेंट्री। काफी टाइम ये होता है कि एक बड़ी इंडस्ट्रीज है उसके यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन है, मल्टीपल स्टोर लोकेशंस है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है और हर एक की इन्वेंट्री अलग अलग मैनेज होती है। ये केस में क्या होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट को कोई एक प्रोडक्ट की जरूरत है, वो प्रोडक्ट अगर दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे गोडाउन में है तो वहां से उसको यूज में नहीं लाया जाता है और नई चीजें मंगवाई जाती है। नई चीज मंगवाने का जैसे हमने पॉइंट नंबर टू में देखा, वहां पे रिप्लेनिशमेंट टाइम ज्यादा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम ज्यादा रहता है और अगर कभी इमरजेंसी में मंगवानी पड़ती है तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है। तो यहाँ पे अगर सेंट्रलाइज इन्वेंट्री करते हैं तो आपकी इन्वेंट्री कम कर पाएंगे, आपका डेटाबेस भी एक्यूरेट मिलेगा, आपका स्टोर का मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस है और वहां पे जितने लोग काम कर रहे हो वो कम लोगों में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी ले सकते हैं। तो आपकी इन्वेंट्री को आप सेंट्रलाइज कर दीजिए। दोस्तों छठा जो पॉइंट है, रिड्यूस योर सर्विस लेवल। यानी यहाँ पे कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक कस्टमर को समझेंगे, मान लीजिए कस्टमर्स ने आपको ऑर्डर दिया है 10,000 पीसेस की, तो क्या वो कस्टमर को 10,000 पीस साथ में ही देने चाहिए? क्या आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10,000 और अगर 1,000 करके 10,000 पीस भेजेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? 4 महीने के बाद अगर आप 10,000 पीस भेजेंगे, क्योंकि आपको 10,000 पीस बनाने के लिए 4 महीने का समय लगता है, तो आपकी पेमेंट साइकिल में इसका क्या इफेक्ट आता है? ये सारी चीजों को मुआयना करने के बाद देखिए, कस्टमर के साथ बात कीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर हफ्ते हम आपको 1,000 पीस या हर महीने आपको 2,000-3,000 पीस भेजते जाएं, तो कस्टमर का डिलीवरी टाइम भी कम हो जाएगा, आपकी जो पेमेंट साइकिल है, आपका जो डिलीवरी टाइम है वो भी कम हो जाएगा और आपका इन्वेंट्री लेवल जो फिनिश गुड्स का रहेगा वो भी कम होता जाएगा। यहाँ पे कस्टमर की नीड को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। जितनी आप कस्टमर की नीड और आपकी प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस और उनका आपकी प्रोडक्ट का रोल आपके कस्टमर्स के यहाँ पे कैसा है वो जब तक आप समझ पाएंगे तो यहाँ से बेहतरीन आप सर्विस लेवल को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप ये सर्विस लेवल को कम कर देते हैं, यानी 4 महीने के बाद 10,000 पीस साथ में भेजने की जगह हर हफ्ते में 200-500 पीस करके भेजते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री लेवल बहुत कम हो सकती है। ये इन्वेंट्री लेवल कम होने के साथ साथ आपका जो पेमेंट का साइकिल है वो बहुत फास्ट हो सकता है। जो पेमेंट आपको बिल आप 4 महीने के बाद भेजने वाले थे और शायद वो 90 दिन के बाद आपको मिलने वाला था, वो 4 महीने पहले पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। आपका जो पेमेंट साइकिल है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसकी वजह से आपका जो कैश फ्लो है या कैश क्रंच आता है उसमें भी आपको मदद हो सकती है। और सातवीं और आखिरी चीज है कि रिड्यूस स्टॉक कीपिंग यूनिट। काफी टाइम ये ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया है कि एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आप एक मशीन बना रहे हो और वहां पे आप एक मोटर और उसके साथ पुली का एक कंपोनेंट ले रहे हैं, किसी एक वेंडर के पास पुली ले रहे हैं, किसी एक वेंडर के पास मोटर ले रहे हैं। मोटर की कॉस्ट है 5,000 रुपए, पुली की कॉस्ट है 200 रुपए। मान लीजिए पुली टाइम पे नहीं आई तो 5,000 रुपए की मोटर आपकी इन्वेंट्री में फालतू में पड़ी रहेगी। और फरमाइए अगर आपके पास पुली आ गई लेकिन वो डिफेक्टिव है और उसको आप लगा नहीं पाए तो आपकी मोटर वापस वहीं पे इन्वेंटरी में रहेगी। तीसरी चीज है कि आपकी मोटर के लिए आपको परचेस ऑर्डर अलग से देना पड़ेगा, आपकी पुली के लिए परचेस ऑर्डर अलग से देना पड़ेगा। जब भी मटेरियल आएगा तो आपको 2 प्रोडक्ट के 2 इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाने पड़ेंगे, 2 प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको अकाउंट में सबमिट करने पड़ेंगे, वहां पे 2 बिल आएंगे, वहां पे 2 चेक्स बनेंगे और 2 सप्लायर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। यानी हर एक चीज को 2-2 बार करना पड़ेगा। अगर हम मोटर के जो सप्लायर है उसके साथ पुली के सप्लायर का तालमेल बिठा दे और वो मोटर के सप्लायर ही हमें पुली भी लाके फिट करके दे दे, तो आपका 2 SKU था कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, पहले आपके 2 थे, एक मोटर था एक पुली था, वो अभी 1 ही हो गया। आपके पास 1 ही स्टॉक कीपिंग यूनिट रहेगा। यानी आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है वो पहले 1 की हो गई। दूसरी चीज है, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं आया है तो आपकी दूसरी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। इस तरह से आप इसको कम भी कर सकते हो। और आपकी नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी है जैसे PO बनाना, इंस्पेक्शंस करना, पेमेंट करना, उनके साथ फॉलोअप करना, उनकी क्वालिटी को चेक करना, ये सारी चीजें भी कम हो सकती है। तो आपके यहाँ पे देखिए कि आपके स्टॉक कीपिंग यूनिट कहाँ पे कंबाइंड हो सकते हैं और इसको किस तरह से कम कर सकते हैं। अगर ये 7 तरीके से आप अगर यूज करते हैं तो आपके यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत कम हो जाएगी। मैं वापस रिपीट करता हूँ,
पहला है आप पैरेटो कर लीजिए, कॉस्ट वाइज पैरेटो कर सकते हैं, और दूसरी जो है वो क्वांटिटी वाइज पैरेटो कर सकते हैं। रिड्यूस रिप्लेनिशमेंट टाइम, वहां पे तीन तरह के टाइम आए, पहला टाइम था रिव्यू पीरियड है, दूसरा टाइम है मैन्युफैक्चरिंग पीरियड है, और तीसरा है वो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है। तीसरा जो स्टेप था वो स्मॉलर एंड मोर फ्रिक्वेंट ऑर्डर के बारे में बात की हमने। चौथी जो चीज थी वो आपके यहाँ पे इलिमिनेट ऑब्सोल्यूट स्टॉक है, वो कैसे ऑब्सोल्यूट कर सकते हैं, उसके लिए डिजाइन इंजीनियरिंग या उसको कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर गौर फरमाइए। पांचवी जो चीज है आपको सेंट्रलाइज इन्वेंट्री कर देनी है। छठी है वो सर्विस लेवल को लोअर कीजिए, और सातवीं है स्टॉक कीपिंग यूनिट को आप जैसे कम कर सकते हैं उसको कम करने की ट्राई कीजिए। आपकी इंडस्ट्रीज में सातवें सात सुझावों में से आप कौन सा सुझाव आपको बहुत बेहतरीन लगा, और आपकी इंडस्ट्रीज में आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे हमें जरूर लिख के दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। आपको कोई ऐसे सुझाव है जहां पे आप कोई टॉपिक पे हमारे पास ट्रेनिंग वीडियो लेना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशंस और बेल बटन को दबाइए ताकि आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो पहले से पहले तक पहुंच पाए। धन्यवाद।